प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा पुरी में रोड शो कर दूरदर्शन खास बातचीत में देशवासियों से मतदान करने की अरज करी क्या महिला सशक्तिकरण से देश की इकोनॉमी ने नई ऊर्जा मिली। भीलवाड़ा कोटरी गैंगरेप भट्टी कांड दोषियों ने पोक्सो कोर्ट फांसी की सजा सुनाई पुलिस 450 पेज री चार्जशीट पेश करी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 12वीं कक्षा रा कला विज्ञान और वाणिज्य विषय रा नतीजा व्या जारी छात्रावा अव्वल री। खाद्य सुरक्षा महकमो जयपुर रा बीकेआई माए बड़ी कार्यवाही करता थका घटिया मसाला जब्त करिया 19,265 किलो मसाला री मोटी खेप पकड़ी। और प्रदेश में भीषण गर्मी रो और लू रो दौर आवता दिना भी जारी रहेला। मौसम महकमो आवती 22 और 23 मई ने पश्चिमी राजस्थान रा कुछ जिला रो तापमान 48 डिग्री सेल्सियस ताई पूब बारो अंदेशो जतायो। नमस्कार, समाचार माए आपरो स्वागत है। समाचार अरे सागे मैं रचना पारिक और अब समाचार विस्तार सु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा रा पुरी में रोड शो करिया। इन दौरान बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री रो अभिवादन करिया। प्रधानमंत्री दूरदर्शन सु खास बातचीत में देशवासियों सु बड़ी संख्या में मतदान कर बारी आरज करी। वे कया के नारी शक्ति रो सामर्थ्य भारत री गति खातर अहम है और महिला सशक्तिकरण सु देश री अर्थव्यवस्था ने नई ऊर्जा मिली है। ये आपको लगता है कि काफी ज्यादा भार आपके ऊपर डालता है ऐसी भावना है? जब मुझे इस प्रकार की घटनाओं का पता चलता है या मैं भी जब कभी रास्ते में चलता हूं तो ये अनुभव करता हूं, जैसे बच्ची देखिए हाथ जोड़ करके बैठी खड़ी है, ये चीजें किसी भी व्यक्ति को भावुक करने वाली है। और पॉलिटिशियन के जीवन में शायद ऐसा रेयर हो सकता है कि इतना प्यार, इतना आशीर्वाद। और मैं देख रहा हूं कि भारत की नारी शक्ति आने 25 साल में भारत की गति के लिए दो मैं बड़े निर्णायक फैक्टर देखता हूं। एक, हिंदुस्तान का पूर्वी हिस्सा यानी उड़ीसा, हमारा झारखंड, हमारा बिहार, हमारा बंगाल, ये हिंदुस्तान का पूर्वी इलाका है या पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा जो ग्रोथ इंजन बनेगा। दूसरा, मेरे देश की नारी शक्ति, 50% नारी शक्ति, उनका जिस प्रकार से सामर्थ्य निकल करके आ रहा है। जब मैं कहता हूं मैं 3 करोड़ लखपति दीदी बनाऊंगा तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अवसर देने हैं। और मेरे गांव की बहनें लखपति दीदी बन के रहेगी, ये मेरा विश्वास है। जिस देश में इतनी सामर्थ्यवान मातृशक्ति हो, मैं गुजरात से आया हूं, हमारा पूरा जो डेयरी उद्योग है, आज अमूल जो दुनिया में इतना मशहूर है, उसकी पूरी ताकत महिलाएं हैं, पूरा उद्योग महिलाएं चलाती है। आप लिज्जत पापड़ देख लीजिए, दुनिया में ब्रांड है लिज्जत पापड़, पूरी तरह महिलाओं के द्वारा ड्रिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी देश की महिलाओं में एक अभूतपूर्व सामर्थ्य है। और अगर हम हमारी मातृशक्ति को, हमारी बहनों को अवसर दें तो देश की इकोनॉमी को एक नई ऊर्जा मिलेगी, नया नेतृत्व मिलेगा। और इसलिए मैंने G20 में आग्रह रखा है विमेन लेड डेवलपमेंट। मोदी जी, 2.5 दशक के अपने करियर में मैंने कभी नहीं देखा कि किसी प्रधानमंत्री के चुनाव से पहले ही 3.0 की बात होने लगे, तीसरे टर्म की बात होने लगे। अब सस्पेंस है कि जब आप वापस आएंगे तो क्या आप एक रिवोल्यूशनरी क्रांति लेकर आने वाले हैं? ज्यादातर राजनेता सत्ता, पद, प्रतिष्ठा उसी के इर्द गिर्द खोए रहते हैं।
मैं उससे कोसों दूर हूं। मैं मानता हूं कि पद एक कार्यभार है, पद ये प्रतिष्ठा के लिए नहीं होता है, जीवन खपाना होता है और ये चीजें लास्ट मोमेंट नहीं करनी होती है, बहुत पहले से तैयारी करनी चाहिए। इतना बड़ा देश है, उसकी आवश्यकताओं को समझना चाहिए, उसके आधार पर नीतियां बनानी चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए, निर्णय करने चाहिए और तब जाकर के फैसले होते हैं, परिणाम मिलते हैं। और जब नीयत साफ होती है ना, तो नतीजे भी शानदार मिलते हैं। भीलवाड़ा रा कोटड़ी भट्टी कांड में आज पोक्सो कोर्ट दोनों आरोपियों ने मौत की सजा सुनाई। बताई जावे है कि लाड़ला बरस 2 अगस्त ने नाबालिग के साथ गैंगरेप कर जिंदो कोयलारी भट्टी में जला दियो गयो हो। मामला में 9 लोग गिरफ्तार करिया गया है, जिन महसूस 7 आरोपियों ने कोर्ट 18 महीने दोष मुक्त कर दियो हो और आज मुख्य 2 आरोपी कालू और कहना ने फांसी री देबारी सजा सुनाई। राज्य सरकार का न्यू जयपुर सो नियुक्त करिया गया विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह कानावत गया के न्यायालय रो यो फैसलो ऐतिहासिक है। जघन्य अपराध हुआ था, मासूम के साथ जिस तरह से गैंगरेप हुआ था और गैंगरेप करने के पश्चात उसको जिंदा ही भट्टी में जला दिया गया था, उसमें आज माननीय न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला है। इसलिए मैं माननीय न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया गया है मृत्युदंड का, दोनों जो मैंने एक्यूज कालू और काना उनको मृत्युदंड के दंड से दंडित किया गया है, इसलिए मैं माननीय न्यायालय का बहुमत हूँ। मुलजिम मैन था कालू को अंतर्गत धारा 302 के अंदर मृत्युदंड के दंड से दंडित किया गया है। 376 और 376 डी के अंदर आजीवन कारावास मुलजिम कालू मैंने क्यूज किया और 326 के अंदर 7 वर्ष का कारावास, 5GL/6 में आजीवन कारावास का पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा हुई। दूसरा मुलजिम कान्हा का, मुलजिम कान्हा को 302 के अंदर मृत्युदंड के दंड से दंडित किया गया। 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंदर मुलजिम को आजीवन कारावास कान्हा को दिया गया। 326 के अंदर 7 वर्ष का कारावास मुलजिम कान्हा को दिया गया। 376 के अंदर आजीवन कारावास मुलजिम कान्हा को दिया। न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 12वीं कक्षा रा कला विज्ञान और वाणिज्य विषय रा नतीजा जारी वे गया। विज्ञान संकाय रो नतीजो 97.73, वाणिज्य संकाय रो नतीजो 98.75 और कला संकाय रो नतीजो 96.88% रह्यो। तीनों संकाय में छात्रा मा अव्वल री। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो उच्च माध्यमिक की परीक्षाएं आयोजित की गई थी, विज्ञान वर्ग की, वाणिज्य वर्ग की और कला वर्ग की, उन तीनों परीक्षाओं का परिणाम आज घोषित किया गया है और साथ ही जो वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा थी, इन चारों परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया है। उच्च माध्यमिक विज्ञान वर्ग की परीक्षा का कुल परिणाम 97.73% रहा है। उच्च माध्यमिक वाणिज्य वर्ग की परीक्षा का परिणाम 98.95% रहा है और उच्च माध्यमिक कला वर्ग की परीक्षा का परिणाम 96.88% रहा है। तीनों संकायों के परीक्षा परिणाम, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग की परीक्षाओं का परिणाम एक साथ घोषित किया है हमने। खाद्य सुरक्षा महकमो जयपुर रा VKI में बड़ी कार्रवाई करता थका घटिया मसाला जब्त करिया है। 8 डंठल और रंग मिलार पीसिया जा रहा मसाला री मोटी खेप पकड़ी है। खाद्य सुरक्षा विभाग रा अतिरिक्त आयुक्त पंकज कुमार ओझा री अगुवाई में भी कार्रवाई में 19,265 किलो मसालो मिलियो है। मौका माथे मसाला में मिलिया जबा वाला रंग भी बरामद करिया गया है। रंग मिलाए जा रहे हैं, डंठल पीसे जा रहे हैं, सूखी हुई सड़ी हुई मिर्ची पीसी जा रही है, धनिया के साथ डंठल पीसा जा रहा है, हल्दी में रंग मिलाया जा रहा है। सूचना पर जब हम यहाँ आए VKI रोड नंबर 9 पर, तो एक बड़ा जखीरा पकड़ में आया। 19,500 किलो मसाला यहाँ पीसा जाता है और
कई लोग आते हैं और लेके जाते हैं। खुले में मसाला बेचना वैसे भी गलत है, तो इसको आज कार्रवाई कर रहे हैं। और 19,500 किलो हमें ये सारा सामान यहाँ मिला। जयपुर वासियां ने शुद्ध मसाला मुहैया करा बखातर जवाहर कला केंद्र में राष्ट्रीय सहकारी मेलो राख्यो गयो। सहकारिता विभाग और राज्य सहकारी उपभोक्ता संग्रह सांझा तत्वाधान में राख्या 10 दिनारा मेला में मसाला और खाबा पीबारी स्टाला लगाई गई है। मेला में ग्राहक खातर कई लक्की ड्रॉ भी राख्या गया है। बारा का सुप्रसिद्ध धनिया और चावल बासमती जो बारा का फेमस है, जो विदेशों तक जाता है, उसको हम लेके आए हैं। अच्छी क्वालिटी का माल लेके आए हैं और ग्राहकों का अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। ग्राहक हमसे अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। शुद्ध माल है और प्योर माल है हमारे धनिया की। एक तो इसका जो कलर है वो नेचुरल है और इसकी जो महक है वो इसकी नेचुरल है। हजारों प्रकार के आपको यहाँ पर शुद्ध मसाले मिलेंगे। कोटा भंडार से आपको गेहूँ, शरबत के गेहूँ मिलेंगे और बूंदी के प्रसिद्ध आपको चावल मिलेंगे, मसाले मिलेंगे आपको। और हमारे यहाँ पर आपको ये सभी प्रकार के सीड्स हो गए, आंवला कैंडीज हो गए, चूरन्स हो गए, बेरीज हो गए, सीड्स वगैरह हो गए, सभी प्रकार के सौंफे, मुखवास, माउथ फ्रेशनर्स हो गए। दुनिया भर के यहाँ पर आपको मसाले, गेहूँ, चावल अनेकों वैरायटी के अंदर, बहुत बढ़िया वैरायटी के अंदर, जो कि बाजारों के अंदर ये उपलब्ध नहीं होते हैं। ये इंदौर की नमकीन हैं, रोस्टेड नमकीन हैं, 1000 तरह की नमकीन हैं, एक से एक बेहतरीन चीज़ें हैं। रागी, ज्वार, बाजरे की नमकीन हैं। हमारी नमकीन सबसे बड़ी खासियत है कि रोस्टेड है। रागी की नमकीन बहुत फेमस है, हमारे रागी के आइटम बहुत सारे हैं हमारे पास। तो सर देखिए, मसाला मिला है राजस्थान में, जयपुर में। तो हमारे तरफ की वैरायटी मसाले मिलेंगे सर, आइए, पूरे मसाले मिलेंगे, गरम मसाले मिलेंगे, जीरा मिलेगा, मेथी मिलेगी और राइस मिलेगी, सब मिलेगा, धनिया मिलेगा। भरतपुर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय काने सु आध्यात्म से जुड़ी द लाइट मूवी दिखाई गई। मूवी रो उद्घाटन समारोह ने संबोधित करता था कहा डॉक्टर सुभाष गर्ग कया कि जठे नारी रो सम्मान होवे है वठे देवता रहवे है। इस जमाने में उन्होंने एक सोच को कि महिलाओं का सम्मान और भारतीय संस्कृति में तो कहा ही गया है, या नारी का सम्मान होता है, महिला का सम्मान होता है, वहाँ ब्रह्म और देवताओं का वास होता है, तो उसको लेकर के और उसकी फिल्म की मैं रिव्यू देख रहा था किस तरह से महिलाओं के प्रति समाज का एक भाव हुआ करता था। कवि सुमित्रा नंदन पंत रो जन्म 20 मई 1900 मायवियो हो। किशोरावस्था सु ही पंत ने कविता लिख पारो शौक हो। कविता रे साथे नाटक, उपन्यास और निबंध माए भी पंत जी रो योगदान रियो। जाना वारा जीवन रा बारा माए। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म बागेश्वर जिले की कौसानी में 20 मई वर्ष 1900 में हुआ। जन्म के कुछ ही घंटों बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई और उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया। प्रयाग में उच्च शिक्षा के दौरान सन 1921 के असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के बहिष्कार के आह्वान पर उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा साहित्य के स्वाध्याय में लग गए। सुमित्रा नंदन पंत किशोरावस्था से ही कविताएं लिखने लगी। इनका रचना काल वर्ष 1916 से 1977 तक लगभग 60 वर्षों तक विस्तृत रहा। उनकी काव्य यात्रा के तीन चरण देखे जाते हैं, जिनमें पहला चरण छायावादी काव्य का है, दूसरा चरण प्रगतिवादी और तीसरा चरण आध्यात्मवाद का है। युगांतर, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, सत्यकाम, मुक्ति यज्ञ, तारापथ, मानसी, युगवाणी, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, ऐसे अनेक सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख काव्य संग्रह है। कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने नाटक, उपन्यास, निबंध और अनुवाद में भी योगदान किया है। 28 दिसंबर वर्ष 1977 में सुमित्रा नंदन पंत का निधन हुआ। कौसानी गांव के उनके घर को सुमित्रा नंदन पंत साहित्यिक विधिका नामक संग्रहालय बनाया गया है, जहां उनकी व्यक्तिगत वस्तुओं, प्रशस्ति पत्र, विभिन्न संग्रहों की पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा गया है। संग्रहालय में उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष पंत व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।
जयपुरी एक निजी कंपनी ई मेल सॉफ्टवेयर माए एआई पावर्ड रिप्लाई बनायो है। इन सुविधा रे जरिए मेल आभारी स्थिति माए उनरो जवाब खुद ही तैयार भेजा वेला और यूजर उनने आपरा हिसाब सु एडिट कर सकेला। कंपनी रा मैनेजिंग डायरेक्टर अजय डाटा बताया के नवाचार सु यूजर्स रा टेमरी बचत वेला। जो ईमेल हम सबके पास आती है, इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा सुविधा यूज़ करने वाली एप्लीकेशन है ईमेल। ईमेल सबके पास आती है, उसका जवाब बनाना होता है। जवाब आपको नहीं बनाना पड़े, जवाब स्वतः ही बन जाए, उसके लिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सजेन प्लस ईमेल सॉल्यूशन के साथ इंटीग्रेट किया और अब आपके पास अगर ईमेल आएगी तो जवाब स्वतः ही बन जाएगा और यूज़र के समक्ष रख दिया जाएगा। यूज़र उसको एडिट कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, कुछ ऐड कर सकता है, कुछ डिलीट कर सकता है, लेकिन एक बेसिक ड्राफ्ट जो आपका कोई असिस्टेंट बनाए या पीए बनाए या आप स्वतः बनाए वो आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। उसको हम बोलते हैं एआई पावर्ड रिप्लाई। एक रिप्लाई बनाने में अमूमन 6 से 8 मिनट तक लग जाते हैं, ये रिप्लाई बन जाता है लेस देन 5 सेकेंड्स में। तो आप समझिए 5 सेकेंड में रिप्लाई बन के सामने आ गया, आपको ड्राफ्ट बन के आ गया। तो आप सोचिए एक मेल पर अगर ऐसा हो गया और रोजाना आपको 10 मेल रिप्लाई करनी पड़ती हैं तो 10 मेल का 50 मिनट हो गया, 50 मिनट की जगह अगर 1 मिनट में काम हो गया। ये एक पावर है, तो यूज़र यूज़ कर रहे हैं, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा कारगर साबित हो रहा है और लोगों का समय बच रहा है। डीडवाना कुचामन जिला में जागरूकता अभियान शुरू हुयो। इन अभियान रे तहत कार्यस्थल मात है महिला वेरे साथे उत्पीड़न और बाल विवाह ने रोकबा खातर जाग जगाई जावेला। तालुका विधि सेवा समिति रा अध्यक्ष एडीजे न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेन्द्र सिंह मोबाइल वैन ने हरी झंडी दिखा रवाना करया। या मोबाइल वैन कई ठोरा गावाई और शहरी इलाका में जार महिलावा ने जागरूक करेला। इन साथ ही आवती 23 मई ने पीपल पूर्णिमा रो होबावाड़ा बाल विवाह ने रोकबा खातर भी मोबाइल वैन रे जरिए जागरूकता फैलाई जावेला। अपराध की जो ज्यादा है सीमाएं जो काम कर रही है उनमें मुख्य कार्यस्थल पर जो महिलाएं काम करती है उनका कोई लैंगिक उत्पीड़न होता है उस के तहत एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि महिलाओं कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न नहीं हो और निवारण अधिनियम उनका जो 2013 में बना हुआ है उसमें उनको प्रोटेक्ट किया गया है, उनको प्रोटेक्शन दिया है। इस अभियान के तहत इस संदर्भ में जागरूकता चलाई जाने के लिए सदस्यों के द्वारा एक सचल वैन को हरी झंडी दिखाकर आज रवाना किया गया है, जिसमें जो अबुझ सवा है उस पर अगर कोई नाबालिग का विवाह शादी की जाती है तो उसको रोकना, इसके अलावा जागृति फैलाना कि भी नाबालिग का विवाह नहीं किया जाए। झुंझुनू माए 7 महीने व्यापारी माथे फायरिंग कर फिरौती मांग बारा मामला माए पुलिस इनामी अपराधियां समेत शूटरा ने गिरफ्तार करियो। झुंझुनू पुलिस अधीक्षक राजेश बताया कि आरोपियां ने गिरफ्तार करवारे साथ ही घटनाक्रम माए काम माए ली गई बाइक और गाड़ी भी बरामद कर ली। हाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। तीन व्यक्ति जो एक बाइक पर आए थे उन्होंने वहाँ पर एक व्यापारी के दुकान के बाहर हवा में फायरिंग की और उसे राजीनामा करने की धमकी दी गई थी एक पर्ची देकर। घटना की गंभीरता को देखते हुए उसी दिन पूरे जिले लेवल पर 3 स्पेशल टीमों का गठन किया गया था, जिसमें पूर्व में 5 आरोपियों को ऑलरेडी हम गिरफ्तार कर चुके हैं इस प्रकरण में, जिन्होंने लॉजिस्टिकल मदद दी थी आरोपियों को। घटनाक्रम में जो बाइक इस्तेमाल हुआ था वो भी हम जब्त कर चुके हैं और एक कैंपर का जो इस्तेमाल हुआ था आरोपियों के भागने में उसको भी हम जब्त कर चुके थे। इस घटनाक्रम में जो मुख्य आरोपी जो इन्वॉल्व थे उनको भी हमने गिरफ्तार किया है। इसमें जो पूरी प्लानिंग हुई थी ये संजू भार्गव है, मोहित शर्मा है और कपिल शर्मा है, इन तीनों के द्वारा की गई थी। जयपुर में लारला 7 बरस रो गर्मी रो रिकॉर्ड टूट गयो। अठे पारो 46 डिग्री सेल्सियस तानी पुग्यो। नगर निगम कान्यो लोगा ने गर्मी सु राहत दिलाबा खातर सड़का माठे एंटी स्मॉग गनरी पानी रो छिड़काव कर्यो जा रियो है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज आयुक्त अभिषेक सुराना बताया कि शहर रा मुख्य चौराहा और सिग्नल माथे ग्रीन शेड लगाया गया है ताकि वाहन चालका ने छाया मिल सके।
वे कहा कि नगर निगम कानियों सार्वजनिक पार्क में पक्षियां खातर छाया और पानी की खास व्यवस्था भी करी गई है। क्योंकि टेम्परेचर काफी अधिक बढ़ रहा है तो इसमें लोगों को राहत देने के लिए एक तो हमने कुछ जगह पे ग्रीन नेट्स लगवाए हैं रोड पे ताकि ट्रैफिक सिग्नल पे जो लोग खड़े रहते हैं उनको थोड़ा सा राहत मिले, और साथ ही हमने जो हमारी स्मोक गन्स हैं उसके द्वारा हम पानी का छिड़काव करा रहे हैं ताकि थोड़ी सी ठंडक रोड पे रहे। पारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, 45 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में हम साथ ही साथ गार्डन्स के अंदर जो हमारे बेजुबान पशु पक्षी हैं उनके लिए भी हम पानी की खेलियाँ और साथ ही साथ परिंदे ये भी लगवा रहे हैं ताकि उनको भी राहत मिल सके, और हमारे जितने भी प्याऊ जो लगी हुई है उन सभी को फंक्शनल कराने के लिए भी हमने डायरेक्शन दे रखे हैं, और कहीं से जहाँ भी कोई हमारे पास समस्या आ रही है उसका हम समाधान कर रहे हैं। प्रदेश में तेज गर्मी और लूरी तपिश सो आमजन घणो बेहाल है और इनसू बचवा खातर कई जतन करिया जा रहा है, बट ही वन्य जीवा ने गर्मी सू बचावा खातर खास इंतजाम करिया जा रहा है। जयपुर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और जयपुर चिड़ियाघर में भी वन विभाग कानियों गर्मी ने देखता थका खास इंतजाम करिया गया है। जयपुर चिड़ियाघर DFO जगदीश चंद्र गुप्ता बताया कि चिड़ियाघर में एनक्लोजर कूलर लगाया गया है, पठीने पक्षिया ने मीठा फल और ग्लूकोज रो पानी दियो जा रियो है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान एवं चिड़ियाघर में जैसे जैसे मौसम में गर्मी का समय बढ़ता जाता है उससे हमारे यहाँ जैसे शुरुआत से गर्मी की व्यवस्था शुरू कर दी जाती है ताकि वन जो है किसी प्रकार का गर्मी का प्रकोप न हो। इसके बचाव के लिए प्रत्येक एनक्लोजर में रेनगन्स लगाई गई हैं, नाहरगढ़ जैविक उद्यान के अंदर स्प्रिंकलर लगाए गए हैं, और ताकि किसी प्रकार की गर्मी वन्यजीवों को बाहर घूमते फिरते पक्षियों को न लगे। और इसके साथ जो रिटायर रूम बने हुए हैं जैविक उद्यान में वन्यजीव जहाँ रात्रि विश्राम करके निवास करते हैं उनके अंदर कूलर्स लगाए गए हैं ताकि वहाँ किसी प्रकार की गर्मी न रहे। ककड़ी खीरा तरबूज खान पान में बदलाव किया जाता है ताकि जो सीजनल मौसम के जो फ्रूट्स होते हैं उनको बनी यूज दी जाते हैं ताकि उनमें गर्मी का प्रकोप न बने। चिड़ियाघर में काफ़ी चीज़ें हैं, यहाँ पर पहली बार तो अभी ये जो सुतोमुख जो ऑस्ट्रिच जिसको बोलते हैं वो अभी फर्स्ट टाइम देखा है, और ये बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो फर्स्ट टाइम नज़र आ रही है। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत सारे जानवर देखे, खूब मज़ा आया। पशु पक्षियों के लिए जानवरों के लिए अच्छी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर, जगह जगह पानी के पानी पीने के लिए वो जो कुंड है क्या बोलते हैं वो बना रखे हैं। यहाँ पहली बार हमारे बच्चों ने और हमने मिलकर एलिगेटर और क्रोकोडाइल ऑस्ट्रिच ये सब देखे, बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं देख के बच्चे, और ऑलमोस्ट यहाँ सब सुविधाएं हैं इन जानवरों के लिए पक्षियों के लिए, और पौंड भी बनाए हुए हैं इनके लिए पानी के लिए, और इनके अच्छे से छाया वाया लगा रखी है ताकि मजे से हम देख सकें, हमको भी कोई गर्मी जैसा फील नहीं हो रहा है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू रो दौर आवता दिना भी जारी रह वेला। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आवता 22 और 23 मई ने पश्चिमी राजस्थान रा कुछ एक जिला रो तापमान 48 डिग्री सेल्सियस ताई पूग सके है। वे कहा कि आवता एक सप्ताह ताई लू रा हालात बढ़िया रह वेला। देखिए पिछले 24 घंटों में देखें तो गंगानगर और अंता 12 में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा जोधपुर बीकानेर इसके साथ साथ शेखावटी क्षेत्र का जो इलाका है, जयपुर और भरतपुर कोटा संभाग के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, यानी हीटवेव का दौर पिछले 4-5 दिनों से जारी है। अगले 48 घंटों में तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा, यानी हीटवेव का दौर बना रहेगा, लेकिन 22 मई से देखेंगे तो अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में और 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि जिन इलाकों में फिलहाल तापमान 46-47 डिग्री रिकॉर्ड हो रहा है, काफ़ी संभावना है कि 22-23 मई को अधिकतम तापमान 46-48 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हो, यानी कि सीवियर हीटवेव की परिस्थिति 22 मई से करीब करीब 25-26 मई तक चलेगी। इसके अलावा नाइट यदि मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो रात्रि तापमान में भी 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी, यानी कि दिन में हीटवेव और सीवियर हीटवेव की परिस्थिति, रात्रि के समय में भी वार्म नाइट की कंडीशन रहेगी। और अब आखिर में खास खबर एक कर फेरूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा रा पुरी में रोड शो करिया। दूरदर्शन सु खास बातचीत में देशवासियों सु मतदान करबारी अर्ज करी। कया महिला सशक्तिकरण सु देश री कमोनी में नई ऊर्जा मिली। भीलवाड़ा रा कोटड़ी गैंगरेप भट्टी कांड रा दोषियों ने पोक्सो कोर्ट फांसी की सजा सुनाई। पुलिस 450 पेज री चार्जशीट पेश करी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 12वीं कक्षा रा कला विज्ञान और वाणिज्य विषयों रा नतीजा व्याज जारी। छात्रावां अव्वल री। खाद्य सुरक्षा महकमो जयपुर रा वीकेआई माए बड़ी कार्यवाही करता थका। घटिया मसाला जब्त करिया। 19,265 किलो मसाला री मोटी खेप पकड़ी। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लूरो दौर आवता दिना भी जारी रहेला। मौसम महकमो आवती 22 और 23 मई ने पश्चिमी राजस्थान रा कुछ जिला रो तापमान 48 डिग्री ताई पूग बारो अंदेशो जतायो। इन साथ ही समाचार आरो यो बुलेटिन अठे पूरो भी हो। नमस्कार।